नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू मटर की तहरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। आलू, टमाटर, मटर, प्याज, हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, चावल को धोकर के रख लिया है, जीरा, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कुकर रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमने डाल दिया है कुकर में। हम इस सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो जो आप तेल खाते हैं वो वाला यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हरी मिर्च। दो हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप किया था, उसको डाल देंगे इसी में। अब डाल देंगे जीरा, इसको थोड़ा सा हिला देंगे इस तरीके से। जीरा लाल हो गया है, डालेंगे प्याज और इसे चला देंगे इस तरीके से। आलू हमने डाल दिए इसमें, कैमरा उस टाइम पे बंद हो गया था तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। अब हम डाल देंगे मटर, हमने इसको धो करके छील करके रख लिया है। ये आलू मटर और प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मंद कर देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिला लिया है, चला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, हमने दो टमाटर को बारीक चॉप किया है और यहीं पे डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार हमने एक चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे सबको। अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। और इसमें डाल देंगे चावल, ये एक गिलास चावल है। आप चाहे तो बासमती राइस या फिर पुलाव वाला चावल यूज कर सकते हैं, हमने घर का ही चावल लिया है। इसे भी इस तरीके से मिला देंगे, अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। चावल भी अच्छे से भून चुके हैं, हम गैस को भी मंदी रख कर दिए थे। और इसमें डाल देंगे पानी, हम एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं और आधी गिलास और डालेंगे। ये आप हाथ से नाप सकते हैं कि कितना है। ये देखिए हमारा इतना ऊपर आ रहा है पानी, तो इसका मतलब ये पानी हमारा परफेक्ट है। इतने पानी में ही अच्छे से हमारे चावल पक जाएंगे और इसको इस तरीके से हम चला लेंगे। हमने डेढ़ गिलास चावल लिया था तो डेढ़ गिलास ही पानी डाला है। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जितना उंगली में बताया है ना उतना ही पानी डालिए। अब कुकर हम लगा देंगे ढक्कन, ऐसे दो तीन सीटी आने तक पकाएंगे। हमारा चावल दो सीटी में पक जाता है, इसे हम दो ही सीटी लगाएंगे। लेकिन आप कभी भी जैसे बना रहे हैं ना, पुलाव बनाए या तहरी बनाए, तो जैसे बाजार का चावल है तो पहले उसको एक बार बना लीजिए कि कितनी सीटी में पकता है, कितना पानी लेता है, इसके बाद बनाइए। नहीं तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि खराब हो जाता है, गीला हो जाता है चावल, तहरी गीली हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। ये हमारी बहुत ही अच्छी खिली खिली बनने वाली है। दो सीटी हो गई है, हमारा चावल पक गया होगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे, कुकर को खोल करके चेक करेंगे कि हमारा चावल कैसा बना है। ये देखिए कितना खिला खिला सा बना है। ये हमारी तहरी कितनी अच्छी बनी है। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू मटर की तहरी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।